हेलो एवरीवन, आज से हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने से पहले हम लोग लैपलास के बेसिक्स को समझेंगे। मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लैपलास का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग लैपलास के डेफिनेशंस और इसके फंडामेंटल जितने फॉर्मूलेज हैं उनको देखेंगे, ठीक है। उसका हम लोग डेरिवेशंस भी करेंगे, मतलब डेरिवेशन के साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि हम लोग लैपलास यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल मतलब एग्जांपल लूँगा। और ऐसा नहीं है कि इसको खाली इलेक्ट्रिकल में ही यूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ हम मैकेनिकल, देखो उसमें सबसे पहले ये जानना है हमको कि मैं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक मैंने आरएलसी सर्किट लिया है, मतलब यहाँ पे एक आर कंपोनेंट है, एल है एंड सी है, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे एंड ये करंट आईटी है। ओके, तो वी आई इज इक्वल टू होगा वी आई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ओके, तो यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू आई टी इंटू आर प्लस वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई टी अपॉन डी टी, और वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C इंटीग्रल ऑफ आई टी डी टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एक हमारे पास वी आई टी फंक्शन आ गया। तो वी आई टी इज इक्वल टू आई टी प्लस एल डी आई टी अपॉन डी टी प्लस 1/C इंटीग्रल ऑफ आई टी डी टी। ओके, अब मैं यहाँ पे यह समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें आर सी आर एल एंड सी ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि एक मतलब इनपुट वोल्टेज एंड हमारे पास यदि ये आउटपुट वोल्टेज हम इस पूरे को मान लें, ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का एक रिलेशन बताओ, या इनपुट वोल्टेज और इंडक्टर का जो वोल्टेज है इनके बीच का रिलेशन बताओ, या इनपुट वोल्टेज और जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसके बीच का रिलेशन बताओ। तो यहाँ पे मतलब इसके बिहेवियर को हम समझना चाहें, सिस्टम के बिहेवियर को पूरा ऑल ओवर। तो हमको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक डिफरेंशियल फॉर्म है और एक इंटीग्रल फॉर्म है। तो एक डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में यदि हम इसका स्टडी करना चाहें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इसको हम अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म जो कि एक ऐसा टूल है यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एक इक्वेशन बन रही है इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में, तो उसको बेसिकली ये सिंपली क्या करेगा कि एक अल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टूल है जो कि हमारे पास यदि एक सिस्टम है, सिस्टम का यदि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म आ रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, और हम सिस्टम के बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं, तो हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये टूल एक ऐसा टूल है जो कि हमारे पास एक ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में जो आ रहा है यानी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में, तो इसको इजीली हम लोग अल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज करके फिर आराम से इसके स्टडी को कर सकते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं करता है, बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में जो इक्वेशन है उसको बेसिकली एक अल्जेब्रिक फॉर्म में चेंज करेगा, जिससे हम लोग सिस्टम के बिहेवियर को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब बेसिक हम लोग इसको समझ सकते हैं इसके बारे में कि लैपलास का यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिकल सैंपल लिया है, तो इसका हम मैकेनिकल भी ले सकते हैं,
कोई सा भी सिस्टम लो, मतलब इसमें कोई भी एक सिस्टम है और इसका यदि हम मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल लें, या मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के बाद यदि वो डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म में आ रहा है, तो हम उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लैपलास टूल से, मतलब ये एक ऐसा टूल हो गया जो कि एक डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म को बेसिकली सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग बाद में इसको देखेंगे जब हमारे पास प्रॉपर्टीज, हम लोग जब डिस्कस करेंगे उस केस में, तब हम लोग ये यहाँ पे आएंगे, अभी इसको हम लोग यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक समझाने के लिए बताया कि एक लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम लोग किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले जितने ही फंडामेंटल्स, जितने ही फॉर्मूलेज यूज होने हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म को मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एफ टी है, ठीक है ना, हम लोग मान रहे हैं कि एक फंक्शन हमारे पास, लेट अ फंक्शन जो है हमारे पास एक एफ टी फंक्शन है जिसका हमें लैपलास निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं एक फंक्शन है जिसका हमें लैपलास निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, तो इसका होगा क्या कि हम लोग जो सिंटेक्स यूज करेंगे इसमें एस लेंगे, बेसिकली अभी दिखाता हूँ मैं इसको, हम लोग इंटीग्रल करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और e की पावर -ST इंटू जो फंक्शन हमने एफ टी जिसका हमें लैपलास निकालना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ये आएगा एफ टी इंटू डी टी। ये एक तरीके से पूरा डेफिनेशन है, यानी ये सिंटैक्स है लैपलास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग एस लिख रहे हैं, एस क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और जो सिग्मा है वो एक रियल फंक्शन है, और जे ओमेगा क्या हो गया, ये इमेजिनरी, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये पूरा की पूरा फंक्शन क्या है, इमेजिनरी है। तो ये बेसिकली इसको यदि हम ग्राफ में ड्रॉ करें, तो ग्राफ में देखेंगे कि ये सिग्मा होगा और ये जी ओमेगा एक्सिस होगा। ठीक है, तो एस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एस जो है हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ओके, तो किसी किसी बुक में एस की जगह पी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो किसी बुक में पी भी, पी से भी डिनोट करते हैं, तो हम एस भी ले सकते हैं और पी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म के। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म वन का देखेंगे। तो वन का लैपलास यदि हम निकालना चाहें तो वही करना है, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर -ST इंटू 1 इंटू dt। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे वन तो वन ही होगा, तो वन मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली e की पावर -ST इंटू डी टी, और e टू द पावर -ST का जो इंटीग्रल इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली क्या होता है, e की पावर -ST और -ST का डिफरेंशिएशन होगा जो कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो क्या आएगा, -S, और जो लिमिट है हमारे पास वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो e की पावर -S into infinity डिवाइडेड बाई -S अपर लिमिट, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, e की पावर S into 0, -S into 0 डिवाइडेड बाई -S। तो यहाँ पे e की पावर -∞ जो होता है वो 0 होगा, e टू दी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/s। इसका मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बेसिकली क्या है हमारे पास,
वन बाई एस। तो ये हमने सबसे पहला जो लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाला वो क्या था, वन का वन बाई एस। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन क्या है, वन बाई एस। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी देखेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे और t को कांस्टेंट रखेंगे। तो t कांस्टेंट होगा, e की पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, और जो लिमिट है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। इसके बाद माइनस, और सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया था उसका इंटीग्रेशन इंटू डी टी, और जो सेकेंड पार्ट है उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो डी टी बाई डी टी, ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन होगा इसलिए डी टी एक बार और लिखेंगे, और इसमें भी हमें लिमिट लगाना होगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पे टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। ओके, और जो लिमिट है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी। देन माइनस इंटीग्रेशन का साइन आएगा पहले, और यहाँ पे इस वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन होगा, e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और डी टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखूंगा e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और जो लिमिट थी हमारे पास 0 to infinity ये भी आएगी। इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यदि हम अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है, e टू द पावर यदि इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा की पूरा टर्म 0। और यदि माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे t मल्टीप्लाई में है तो ये ऑल ओवर फंक्शन भी 0 हो जाएगा। तो मैं फाइनली इस वाले पार्ट को जीरो से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस वाले टर्म को चेक करता हूँ। तो माइनस साइन लगा देंगे हम लोग सबसे पहले, अपर लिमिट रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक इंटीग्रेशन हमारा रह गया, तो एक बार और करते हैं। तो e की पावर माइनस एस टी का माइनस एस टी ही आएगा, और माइनस एस टी का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे में तो माइनस एस एक बार और आएगा। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, प्लस में एस स्क्वायर। ओके, और 0 से इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट आ गई। अब सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखते ही e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो जैसे ही जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस यहाँ पर है और एक माइनस बाहर में, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1 बाई एस स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी आया है वो क्या आ गया है, 1 बाई एस स्क्वायर। ओके, और इससे पहले हमने क्या निकाला था, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, वो कितना आया था, 1 बाई एस। तो अभी हम लोगों ने
दो बेसिक फॉर्मूलेस को डिस्कस किया है, टी और वन को। ओके, तो अभी हम लोग बस इतने पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे। ओके, और यहाँ तक में यदि किसी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को मैंने लिंक में शेयर कर दिया नीचे में डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि हमने सबसे पहले ये देखा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का हम लोग बेसिकली यूज़ कहाँ और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है वो हमने देखा। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज़ और ये भी कह सकते हैं कि जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है बेसिकली हमारे पास एक टाइम डोमेन का फंक्शन है। मान लो हमारे पास एक सबसे पहले टाइम डोमेन का फंक्शन है, तो टाइम डोमेन से हम लोग करते क्या है, सबसे पहले टाइम डोमेन से हम लोग इसे एस डोमेन में लेके आ जाते हैं। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि टाइम डोमेन से हम एस डोमेन में, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, बेस और भी इसको मैथ्स में हम लोग सीरीज को फाइंड करने में भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन यदि मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बता रहा हूँ तो वो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, और यदि हमारे पास यदि एस डोमेन का फंक्शन भी है तो हम उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, उसे टाइम डोमेन में भी वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो और उससे और एक चीज़ और जो मैंने सबसे पहले भी जो स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे पास टाइम डोमेन का कोई फंक्शन है और उसके बिहेवियर को भी समझना चाहें तो हम बेसिकली अल्जेब्रिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। अल्जेब्रिक फॉर्म कैसे करेंगे हम, लैपलास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, और दो फॉर्मूले हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, बेसिक फॉर्मूले जो कि वन और वन का लैपलास और टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो ये अभी हम लोग दो ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ और भी फॉर्म जितने ही फंडामेंटल्स हैं उनको कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।